मौका मिले हिना खान से शादी करने का तो क्या आप क्या करोगे? आप कहाँ से हो, इंडिया या पाकिस्तान, और किस सिटी से हो? आप होने की रियल एज क्या है? हिना के हाथ में फिर रिंग किसकी है? जब से मैंने हिना के साथ वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है उसके बाद से मैं आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, तो यस हिना मेरी वाइफ। सो हेलो गाइस, मैं हूँ सरफराज अंसारी और मैं हिना खान। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं क्यू एंड ए करूंगा कि मेरी वाइफ कौन है, हिना मेरी वाइफ है भी या नहीं, हिना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जो भी है क्वेश्चंस। और मैंने जैसे क्यू एंड ए किया था इंस्टाग्राम पे, तो मुझे ऑलमोस्ट 95% यही क्वेश्चन आए थे कि हिना मेरी वाइफ है या नहीं, जो भी है। तो इस वजह से मैंने यूट्यूब पे भी क्यू एंड ए किया था, तो मैंने कुछ क्वेश्चन यूट्यूब से उठाए और कुछ इंस्टाग्राम से। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको जिस क्वेश्चन का आंसर चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, आप कहाँ से हो, इंडिया या पाकिस्तान, और किस सिटी से हो? तो हम इंडिया से हैं और सिटी मुंबई से हम लोग जी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर एंड हिनास क्वालिफिकेशन? तो मैंने तो ग्रेजुएशन किया है बीएमएस से और मैंने 12th पास की है। हाँ। छोटी बहन है जिसकी अभी रिसेंटली शादी हुई। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, आप दोनों की रियल एज क्या है? मेरी रियल एज है 27 और अभी जस्ट 16 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है, तो मैं तब 28 का हो जाऊंगा। और मेरी रियल एज है 23। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बीच में एक और लड़की के साथ आए थे, वो कौन थी? तो ये क्वेश्चन आया है यूट्यूब से। हाँ, तो ये तो मैंने शॉर्ट्स पोस्ट किए थे, लेकिन वो जितने भी शॉर्ट्स थे सब ओल्ड थे, क्योंकि जब से मैंने हिना के साथ वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है उसके बाद से मैं किसी भी लड़की के साथ मैंने ना कोलैब किया है ना वीडियोज बनाया है, क्योंकि मुझे काफ़ी उस पर कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने धोखा दिया है ना, जो भी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फाइनली जो आप लोगों को जिसका आंसर चाहिए था वो क्वेश्चंस आ गया है, जो बहुत टाइम से लोग पूछ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो? तो इसका आंसर बिना देगी दो, मैं पक्का सब लोगों को आपसे जानना है तो आप दो। तो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। तो अगर इस वीडियो पे 10K कमेंट आएंगे ऐसा, चलो मैं रिवील कर ही देता हूँ। तो यस, हिना मेरी वाइफ नहीं है, वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है, हम लोग सिर्फ रील्स बनाते हैं बस, और कुछ भी नहीं। तो आई होप आप लोग को ये डाउट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर आपका डिजाइनर कौन है? आपकी और मैम की ड्रेस बड़ी मस्त है, कैन यू गिफ्ट मी वन शर्ट? सो आपने जितने भी रील्स शॉर्ट्स वगैरह देखोगे उसमें जो भी हिना वेयर करती है वो ज़्यादा करके ड्रेस मेरी वाइफ ही डिज़ाइन करती है, और मेरे भी जो मैं शर्ट्स पहनता हूँ वो भी मेरी वाइफ डिज़ाइन करती है। अगर आप लोगों को वो सब चीज़ें पसंद है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मेरी वाइफ के पेज का, आप लोग वहाँ से जाके कलेक्शन देख भी सकते हो और वहाँ से बाय भी कर सकते हो। और रही बात गिफ्ट की, तो फॉर श्योर अगर आप इंडिया से रहोगे तो मैं 100% आपको गिफ्ट करूँगा, आप एड्रेस के साथ अपना साइज भी सेंड कर दें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू लाइक टू स्पेंड योर फ्री टाइम? तो फ्री टाइम में मैं ज़्यादा करके ट्रैवलिंग करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। जैसे फ्री टाइम होता है तो जैसे मुझे लॉन्ग ड्राइव भी बहुत पसंद है, तो मैं अपनी वाइफ के साथ लॉन्ग ड्राइव पे चले जाता हूँ या फिर कहीं ट्रैवलिंग पे, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी वाइफ है पर आप ऐसे वीडियोस बनाते हो, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव है, बहुत हेल्पफुल है और बहुत अंडरस्टैंडिंग भी है, और वो चीज़ के लिए मैं अपने आप को बहुत लकी भी मानता हूँ। तो चलो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिना के हाथ में फिर रिंग किसकी है? अगर वो आपकी वाइफ नहीं है तो रिंग कौन दिया?
अच्छा एक मिनट में, अरे रिंकू, अच्छा तो आप लोग शायद ये रिंग की बात कर रहे हो, तो चलो इसका आंसर इन्हें दे देंगे। तो चलो हाँ, अरे दो चलो मैं बता देता हूँ। तो इसके हाथ में जो रिंग है ये इसके फियांसे की है, इसकी जस्ट 2 मंथ्स पहले एंगेजमेंट हुई है, इसके फियांसे से मुझसे नहीं, ठीक है। तो ये इसके फियांसे की रिंग है, इसकी जस्ट 2 मंथ्स पहले एंगेजमेंट हुई है, तो ये मेरी रिंग नहीं है, मेरी जो रिंग है वो मेरी वाइफ के पास। ओके तो चलो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डोंट टेक मी रॉन्ग, अगर आपको मौका मिले हिना खान से शादी करने का तो क्या आप क्या करोगे? सबसे पहले चीज तो ये क्वेश्चंस का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं मैरिड हूँ और ये एंगेज है, तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। दोनों अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत खुश हैं और हम ऐसा कोई मौका चाहते भी नहीं। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिना इज योर बेस्ट फ्रेंड प्लस बेस्ट पार्टनर राइट, एंड आफरीन इज योर वाइफ। इन माई आईज यू एंड हिना इट्स जस्ट लाइक शाहरुख एंड काजोल इन वन फ्रेम, एंड आफरीन लाइक गौरी शी ऑलवेज सपोर्ट यू एट बिहाइंड। यस एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मैं कुछ नहीं था मेरी वाइफ तब से मेरे साथ है, और आज मैं कुछ हूँ तो आज भी वो मेरे साथ है। जैसे कि एक कहावत है कि एक सक्सेसफुल लड़के के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वैसे तो मैं अपने आप को अभी तक उतना सक्सेस नहीं मानता हूँ, बट जितना भी मैंने अचीव किया है इसके पीछे पूरा हाथ मेरी वाइफ का है। मुझे हमेशा से बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मोटिवेट किया है, और उस चीज़ की वजह से मैं उससे बहुत, बोले तो बहुत प्यार करता हूँ, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन है, आप आफरीन के साथ वीडियोस क्यों नहीं बनाते हो? प्लीज बनाओ, बहुत अच्छे लोगों के आप दोनों, मुझे आप दोनों को एक साथ में देखना है, तो क्यों नहीं बनाते हो? तो वीडियो नहीं बनाने का रीज़न तो यही है कि उसे ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, उसे इंटरेस्ट है फैशन डिज़ाइनिंग में, और इसका ये सब फील्ड भी नहीं है। और रही बात साथ में देखने की, तो मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉग होने वाला है वो है बर्थडे ब्लॉग, तो वो ब्लॉग मैं अपनी वाइफ के साथ बनाऊँगा। उस ब्लॉग में मैं अपनी वाइफ से आप लोगों को इंट्रोड्यूस भी कराऊँगा, आप लोगों को मिलाऊँगा भी, और वो ब्लॉग मेरी वाइफ के साथ होगा। जैसे कि मैंने अभी रिवील कर दिया है कि हिना मेरी वाइफ नहीं है, तो आई नो अभी भी कुछ लोगों के माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, तो वो किसी का भी जो भी चल रहा है वो नेक्स्ट ब्लॉग में 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो ब्लॉग मेरी वाइफ के साथ और हिना के साथ दोनों के साथ होगा। और आप लोगों का जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा कि आफरीन कौन है और हिना कौन है। तो इस ब्लॉग को जितना हो सके उतना शेयर करना जिनका भी डाउट है, ताकि सबका क्लियर हो जाए, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि मेरा बर्थडे ब्लॉग होने वाला है विद माय वाइफ। तो इसी तरह प्यार करते रहना, मुझे भी और हिना को भी। प्लीज लाइक सपोर्ट करना। बाय बाय, लव यू।